कभी देकर आसमाता है तो कभी लेकर आसमाता है, ये मेरे रब का फैसला है। वो अपनी कुन का जलवा सब्र करने वालों को दिखाता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और खुदा की मर्जी तुम्हारे हक में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फयकुन, हो जा, और फिर हो जाता है। और उस लम्हे में आसमान, सितारे, चांद, सूरज, वक्त, कस्में, हवाएं, बादल और बारिशें, कशिश, कुदरत कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक जर्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा हो। जब कुन से फयकुन की लड़ी मिलती है, फिर लम्हों में तकदीर बदल जाया करती है। अगर उसने कुन ना कहना हो तो वो तुम्हारा ये इंतजार अब तक खत्म कर चुका होता। उसकी दस्तरस्त में कुन भी है, फयकुन भी। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा रब नहीं कर सकता। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। जब वो कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फयकुन करने के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत पर सर झुका दोगे, फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा।